हमने कहा आज सिरा के घर पहुंच के कमरे में छापा मार के सारा सामान निकलवाना, सारा सामान निकलवा के पूछते हैं कैसी हो सिरा। मैं ठीक हूँ। ठीक हो सिरा? के यहाँ बिस्तर पे हमने सारी चीजें फैलवा दी हैं और ताकि हम एक एक चीज दिखा सकें, मेकअप तो ग्लासेस तो ये तो वो ज्वेलरी बैग। अच्छा वैसे तुम संभाल के रखती हो चीजें इधर उधर कर देती हो? नहीं नहीं संभाल के रखती हूँ, लेकिन आज मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास बहुत ज्यादा ज्वेलरी है। आज आज उसकी ज्यादा सफाई हो जाएगी, सफाई हो जाएगी, समेट के रखा जाए। बिल्कुल। अच्छा अब कोई ऐसी चीज है जिसे तुम्हारी बहुत ज्यादा कनेक्शन हो, अम्मी ने दिया हो या किसी भाई ने दिया हो? वो ड्रेसेस पे है। अच्छा वो कपड़े? हाँ जी वो। तो शुरुआत करो ना बताना, ग्लासेस वगैरह। अच्छा ये मेरा पहला मेकअप था, जो मेरा पहला मेकअप शेड है जिंदगी का जो अब तक चल रहा है, और ये मेरी बहन ने लिया था। इट वॉज अ न्यू एडिशन और डिज्नी का। हाँ जी, तो ये एक ही मेकअप पैलेट जो मेरे पास है, और इसके अलावा मेरे पास सिर्फ ये है। सो ये दो हैं, बट दिस वॉज द वेरी फर्स्ट दैट आई गॉट। इसके ऊपर मिरर भी है। तुमने मेकअप करना शुरू किया था जब? सो इट्स अ वेरी फैंसी एलिस इन द वंडरलैंड टाइप का ना। वाओ। तो मेरी बहन ने मुझे दिया था यहाँ? नहीं नहीं नहीं, ये अमेरिका से मेरी बहन ने बड़ी मेकअप शॉप से फॉर फ्रॉम देयर। सो दिस इज माय फेवरेट बिकॉज इट्स फंकी बटरफ्लाई वगैरह लगे हुए। तो ये मेरी जिंदगी का पहला मेकअप शेड किट है। अल्लाह कितना क्यूट है। और ये अभी तक चल रहा है? ये अभी तक चल रहा है क्योंकि मेरी जिंदगी बहन कितने साल पहले का? ये दो साल पहले का। लो मेरी जिंदगी का पहला मेकअप, लेकिन ये मेकअप शेड है जिंदगी का पहला। अच्छा उससे पहले नहीं मेकअप नहीं किया? तुमने दो साल पहले मेकअप करना शुरू? मतलब जब से आई ज्वाइन इंडस्ट्री आई डिड स्टार्ट डूइंग द मेकअप। उससे पहले तुम आई शैडोज वगैरह? नहीं, हमारी लिपस्टिक्स थी हमारे पास, वो लाल कलर की होती थी ना टिपिकल, वो थी। उसके अलावा अम्मी ने कभी नहीं यूज करने दिया मेकअप। वेरी नाइस, ये तो बड़ा स्पेशल होगा। फिर ये सेकंड टाइम मेरी बहन ने दिला के दिया था कि चलो ये हैव लाइक डार्क टोन्स, तो मेरा मेकअप यूजुअली माय सिस्टर बाय सोनी क्योंकि वो ज्यादा। फिर जब हम मेकअप शॉपिंग करने गए थे तो उसने मुझे बहुत सारी चीजें, अच्छा ये भी मेरा जिंदगी का पहला कंटूर किट था कैट वॉन डी का जो अब तक चल रहा है। आई यूज इट डेली, इट्स माय डेली यूज। ये वो चीज़ जो पहली पहली है, पहली पहली है जिसके डब्बे खत्म हो जाए तो ये तुम याद रहेगी। तो ये पहला लाइक आराम से दो डेढ़ ढाई साल अच्छा हो गए हैं और चल गया और अभी भी चल रहा है। हालांकि तुम कॉन्ट्रोल करती हो ज्यादा ना गोल गोल गोल। अच्छा ये भी मेरी जिंदगी पहला, उसने मुझे ब्लश पहली है, ये तो पहली ही है सारी। पहली पहला ब्लश। तो मेरी बहन ने बोला तुम्हें इसमें सारे टोन्स मिल जाएंगे, डार्क भी लाइट भी एवरीथिंग। वाह। और कितने संभाल के रखी हुई पहली पहली चीजें। अच्छा उसके बाद अब जो रीसेंट मैंने कहाँ गया मुझे नहीं मिला। हाँ। वो शायद अच्छा ये मेरी बहन ने बहुत क्यूट सा मुझे लिप टिंट दिला के दिया था। हाँ, कि इट्स लाइक यू नो विंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी यही लगा के चली जाना। एंड देन आई हैव मी दिस इज माय फेवरेट दीज टू आर विक्टोरिया सीक्रेट के। दीज आर अमेजिंग। ये ग्लॉसेस हैं क्या? दीज आर अमेजिंग, दीज आर मैट ग्लॉसेस। और वो बहुत मजे के हैं, अच्छे लगते हैं। आई लव देम। मैं हल्का से लगाती हूँ ना मर्जेड, वो टिंट हो जाता है। अच्छा। तो लिप टिंट की तरह मेरे ऊपर अप्लाई करता है। इसकी ये खास बात है। और ये इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। रियली लव इट, इट्स माय फेवरेट। इट्स लाइक टिंट की तरह मैं इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा Wow. इसके अलावा हमारे फेवरेट्स हैं दोनों, है ना? ये मेरे फेवरेट्स हैं। दिस इज माय बेस जो अब खत्म ही होने वाली है, जो मैं यूज करती हूँ डेली। हाँ जी आई यूज इट। बाकी मेरी बहन ने सारा मुझे एक्स्ट्रा दिला के दिया था। दिस इज लाइक इन मिक्स, वो ऊपर ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है। एंड शी सेड जब तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा दिस इज द सेकंड कंटूर दैट आई हैव। अच्छा तो अब वो अभी ये खोलना नहीं, जब वो खत्म हो जाएगा तो ये दिस इज द सेकंड कंटूर आई हैव। दीस टू से मुझे एक्स्ट्रा शी गॉट इट। अच्छा ये तो मेकअप हो गया। मेकअप तुम जो हो संभाल के रखने वाली चीजें, तुम बहुत होता है ना मेकअप की दुकान लगाई हुई होती है, यूज नहीं करो तो लोग, मगर तुम पहला 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 तुम्हें संभाल के रखता हूँ। अच्छा ग्लासेस की मैं तो बैठी हूँ भाई। ठीक है बैठे तुम, अच्छा हाँ बैठ सकती हूँ ना। अच्छा ग्लासेस, अच्छा ये भी माय सिस्टर गॉट दी। ये तो क्या अमेरिका का माल तुम्हारी बहन है। These are cat ones. These और are really cat cute. वाले बहुत है। These are really cute. देखो ये भी cat वाला। Hard भी है, आप फिक्र ना करें। These two are heart. Oh, लगा लगा के दिखाओ, मजा आएगा ना। These two are heart. और ये एक है। Oh wow, कितना अच्छा लग रहा है। It looks really cute. Jacket के साथ जब आप पहनते हैं ना, it looks really cute. अच्छा ये मुझे किसी ने gift दिया था, एक tuition kit बच्चे को मैं पढ़ाती हूँ। थी
तो उसकी अम्मी जब गई थी सो शी बॉट इट फॉर मी सो इट्स लाइक अ लिटिल रेट्रो नाइस एंड अच्छा तुमने ट्यूशन भी पढ़ाई है अच्छी बच्ची अच्छा ये भी कैट है बट दिस इज बिगर लिटिल बिगर अच्छा और जब मैं अमेरिका गई थी तो मैंने इसने मेरी एक और शर्ट थी उसके साथ आई वोर इट बहुत अच्छे हैं मजेदार ग्लासेस बहुत आजकल एक ग्लासेस नहीं रखे हुए चल रहे होते नहीं कलर चाहिए होते हैं आई हैव येलो वंस टू आई हैव येलो टू गर्ल ओ गर्ल अच्छा तो तुम्हारी कलेक्शन अगर हम तुम्हारी अलमारी में देखेंगे तो सबसे ज्यादा तुम्हें क्या तुम्हारी चीज नजर आएगी ज्वेलरी में सबसे ज्यादा आपको आउल्स दिखेंगे आपको तो हर जगह आउल्स दिखेंगे मैं वही देख रही हूँ इतने उल्लू हैं यहाँ पे दिस इज माय कडल पिलो आउल सो आई दिस इज माय कडल पिलो दीज आर माय पर्सेस और ये जितनी भी ज्वेलरी आप इधर देखेंगे ये सारी आउल है मुझे मिलते भी गिफ्ट आउल्स के नेकलेस भाई दे रियली आपको क्यूट नहीं लगते वो देखिए वहाँ बैठी हुई कितनी क्यूट लग रही है हाँ लोगों को पिंक पैंथर पसंद होता है मिकी माउस पसंद होता है I like, किटी हेलो किटी पसंद होती है पहली लड़की देखी जिसको उल्लू पसंद है मेरी भाभी ने मुझे दिला के दिया था क्योंकि मैं आउल्स को बहुत पसंद करती हूँ सो शी बॉट मी अ वॉलेट इट हैज माय पिक्चर विद माय सिस्टर हर जगह आपको यहाँ आउल एक्चुअली पता है हमारे यहाँ उल्लू को बेवकूफ और बुद्धू समझा जाता है वाइज होते हैं लेकिन पूरी दुनिया में आउल को जो है ना वो मुझे गिफ्ट्स भी सोचे फिर ऐसे ही मिलते हैं अकलमंदी का की निशानी समझा जाता है मुझे गिफ्ट्स भी ऐसे ही मिलते हैं फिर सारे ना ये उनको पता है सबको ये भी उल्लू ये भी उल्लू है उल्लू वाला ये देखिए जाहिर है जो तुम्हारी चॉइस होगी दिस इज ऑल्सो एन आउल ये भी उल्लू एक और उल्लू ये देखें ऑल आउल कलेक्ट यानी कि अगर आउल म्यूजियम खुलेगा तो सिर्फ चीजें उठा ली जाएंगी क्योंकि इसके पास एक से एक कलेक्शन एंड दिस इज व्हाट माय भाभी गेव मी व्हाइट आउल ये सारी आउल स्टफ इज वेरी कनेक्टेड टू मी अच्छा तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम कौन सा है माय फेवरेट परफ्यूम दैट आई हैव वो दो हैं हाँ एक तो ये जो मैंने बहुत कंजूसी से इस्तेमाल किया ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स का है और ये बहुत अच्छा अभी डिसकंटिन्यूड हो गया वहाँ परफ्यूम्स नहीं बनते हैं कितने लगाती हूँ इसका फिर मैं मिस्ट लगा लेती हूँ ना इसका एक मिस्ट भी मेरे पास रखा हुआ है कहीं मैं वो लगा लेती हूँ ये खत्म हो गया ये बहुत अच्छा है बहुत फ्रूटी स्मेल है एंड इसकी इट लास्ट वेरी लॉन्ग वाओ ये बहुत बड़ी टीनेज और यंग पेपी पेपी उसके अलावा दिस इज अनदर माय फेवरेट दिस इज बर्बरी दिखाओ इसकी खुशबू अब काश कैमरे पे खुशबू भी सुंगा सकते अच्छा ये बहुत अच्छा है बर्बरी बॉडी really nice. ये तुमने खुद खरीदा कि ये भी बहन ने दिया नहीं नहीं ये गिफ्ट है इतना आधा माल तो बहन का है ना अच्छा तुम्हें किन चीजों का शौक है जैसे जब तुम शॉपिंग पे जाती हो तो घर की कोई चीज खरीदती हो या अपने लिए परफ्यूम्स या बॉडी वॉशेस क्या चीजों पे सबसे ज्यादा पैसे तुम बहाती हो कपड़ों पे अच्छा कपड़े अच्छा अब तुम शौकीनों के पर्स चेंज करके पहनो जरा थोड़ा सा ऐसे ना क्या एक ही पर्स से गुजारा कर लेती हूँ इतना ज्यादा क्रेज नहीं है पर रखती हूँ कि मैचिंग के साथ होना चाहिए तो करती हूँ या काम चोरी करती हूँ छोड़ो वही ले जाती हूँ नहीं 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 मैं मैच करती हूँ पर्स दिखाओ अपने पर्सेज अच्छा This is a gift and I really like it. It's a red purse. It's very nice. मुझे gift मिला. हाँ. ये मैंने shopping की थी अमेरिका से. कोई याददाश्त जुड़ी हुई है किसी purse से? ये सब I bought it from America. So I have some connection. तो ये सारी चीजें जब मैं पहली दफा लाई थी, imagine it's been 4-5 years. 4-5 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने इसे ऐसे रखा है कि वो लगे कि नया है. हाँ. तो मेरा जितना भी सामान है ये ऐसे. हाँ. मैंने सब पैक थैले वगैरह वही तमीज से रखा है अंदर थैले वाले डाल के खराब ना दिस इज वेरी किडिश बट दिस इज माय फेवरेट ओए क्यूट तो स्माइली फेस है ना क्या इट्स अ स्माइली किस फेस अच्छा मैं गई थी शॉप पे तो मेरी बहन ने बोला तुम्हें क्या बकवास चीजों का शौक है प्लीज मुझे चाहिए तो मैंने ये अच्छा इसके अलावा दिस इज अनदर बैग दैट आई हैव अच्छा और ये ग्रीन आई रियली लाइक इट बट येलो से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है कलर से येलो मैंने बहन को बोला था प्लीज मुझे कोई येलो बैग देना सो शी गेव मी दिस येलो बैग सो इट्स बोथ वेज ये हर चीज के साथ चल सकता है जींस पहनी आपने व्हाइट शर्ट पहनी हो ये भी और येलो के कलर का अलग ही लुक आता है अलग ही बहुत अच्छा है येलोइश मस्टर्ड है ये
है ना yes. वो आजकल वैसे भी मस्टर्ड फैशन में है बहुत हाँ. अच्छा तुम्हारे पास लाइक तुम छोटे ही पर्सेस लेती हो बड़े बड़े पर्सेस नहीं उठा इतने ज्यादा बड़े नहीं बट आई हैव यू अच्छा हर किसी को जो है ना अलग अलग कलेक्शन देखिए भाई ओके Then I have owl bag too. वो भी देखा ये भी owl है क्या है No, this is just आँखें. This is like pink. आपको आधी से ज्यादा चीजें पिंक दिखेंगी इधर एक बहुत मजे का वो लड़की है तो लड़की का तो पिंक तो होना So this is my backpack, which is an owl too. ये क्या Oh! It's a backpack. Oh my God, it's so cute. ये तो बहुत ही मजे की चीज़ है. नजर आ रहा है पूरा तब आप पर उल्लू नजर आ रहा है तो आप सोच सकती हैं कि मुझे कितना ज्यादा उल्लू की चीजों का क्रेज है तो लड़की तुम किताबें भी लेकर गई यार तुम्हारी टीचरों ने पकड़ा नहीं तुम्हें अच्छा मेरे लोगों की अलग अलग कलेक्शंस होती है आप जरा हमारी सफाई सुथराई वाली बच्ची को देखे बाकी इसका घर भी साफ लगता है सैनिटाइजर से साफ किया हुआ है ये सैनिटाइजर की ये देखिए जरा भरमार कितने सारे सैनिटाइजर और मिस्ट और मिस का शॉप ये तो मेरे अलग है अम्मी के अलग है अम्मी के 5-10 अलग है मेरे 5-10 अलग है ओहो मतलब एंड दिस इज माय एवर फेवरेट मिस्ट ये बाथ बॉडी वर्क्स का इन द सन इट्स बहुत मजे बहुत अच्छा है बहुत अच्छा जबरदस्त भाई और ये एक खास शॉप करा के हमें पता चले ये भी परफ्यूम था जो मेरी बहन ने पहले लिया था उससे बहुत ज्यादा अटैच थी उस परफ्यूम से तो जब इस दफा मैं अमेरिका से आई थी तो उसने तुम ले लो तो मैंने रख लिया तो ये उसका परफ्यूम था क्या बहन है भाई मजेदार बहन है ग्लासेस भी हो गई मेकअप भी हो गया ज्वेलरी भी थोड़ी बहुत तुमने दिखाई है और परफ्यूम्स भी हो गए बैग्स भी हो गए अब इम्पोर्टेंट चीज जिंदगी में क्या होती है एक लड़की की वो होते हैं जूते जो कभी कभी लड़कों को पड़ भी जाते हैं अगर ज्यादा पीछा करें तो है ना बिल्कुल कभी किसी लड़के को जूती पड़ी है कोई नहीं नहीं जूते ज्यादा कीमती होते हैं ना हाँ। वो टूट गए तो फिर क्या होगा हो सकता है ये भी है अच्छा चलो कौन सा तुम्हारा फेवरेट है आजकल कभी कभार आपका कोई फेवरेट होता है दिस इज माय फेवरेट क्योंकि इसके पैक करके संभाल के रखा है इसके पीछे देयर इज अ बम Like a rabbit bum. So it has rabbit ears here. Very cute. Allah, ye kitni cute. Pakdo tum ek main zara dikhaun properly. Ye iske kaan hai. Ye iske kaan. Aur ye jab tum pehante hogi to nazar aate honge. Ye iske kaan hai. Oh, this is so cute. Aur ye piche dekhe tum. And this is my favorite. Meri ammi pareshan hai ki kitni faltu cheeze mangati hai. Lekin tumhe ye cheez mili kahan se hai? Kitni cute. Ye online mein mangwai. Ye online mangai hai. From the stores. Allah, sweet. एंड बहुत जिद करके मैंने अपनी बहन से बोला था कि मुझे ये चाहिए वेलवेटिश टच का विद रिबन शूज इट्स अ वेलवेट टच सो इट्स अ वेरी गुड टेक्सचर तो पहन के बहुत अच्छा लगता है ग्रे थोड़ा न्यूट्रल भी हो जाता है हाँ, सबके साथ चल जाते हैं तो तुम जो ये ऑनलाइन मंगाए या खरीदे नहीं तो मैंने बहन से बहन अच्छा हाँ मजे की तुम्हारे पास कलेक्शन है इसकी क्या खास बात थी मेरी हाइट है छोटी ठीक है तो मैंने एक बहुत लॉन्ग स्कर्ट ली थी अपने बर्थडे के लिए 2 years बैक तो मुझे कोई लंबी हील्स चाहिए थी उसके नीचे पहनने के लिए तो मैंने फिर ये ली थी अच्छा उसके लिए मैंने इसमें चलना थोड़ा मुश्किल है हैंडल करना मुश्किल है क्यूट वैसे बट मैंने उसके लिए यही से ली यही से आई गॉट फ्रॉम मेट्रो अच्छा सो दिस वॉज बाय वन गेट वन फ्री हाय दोनों एक जैसे ले लिए सो एक वेज का थोड़ा मोटा है इसमें बहुत इट्स मोर कम्फर्टेबल उससे बट ये पतला है एंड इट हैज बोथ ये देखो बाय वन गेट वन फ्री में फायदा हो गया और ब्लैक कलर तो सबके साथ जाता है ब्लैक तो आपके पास 2-3 शूज होने ही चाहिए तो इसलिए इस दफा मैंने सोचा था कि ब्लैक तो लाजमी बनता है अच्छा ये मेरी फर्स्ट हील्स एट माय सिस्टर गॉड वाज बेज तो ये बेचारी बहुत वेर ऑफ हो चुकी है पहली जिंदगी की पहली हील जो उसने मुझे भेजी थी और वेर ऑफ हो चुकी है अच्छी खासी यूज की है मतलब इससे पूरा पठान ने अपना पैसा खाया है तो मैंने बहुत पहनी है और हर चीज के साथ पहनी है और बेज तो वैसे ही आपके हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है हमारे पैरों पे वैसे ही बहुत अच्छा है ये मैंने पैर गलत रख दिए बट या इसका भी पैर है नहीं बट आप खास बात दोनों का ये खास बात इसकी ग्लिटर है एंड देन दिस इज मोर लाइक क्या कहते हैं वो आप
बड़ा मतलब इस तरह के शूज अच्छे हैं बिल्कुल पापा सारी लड़कियों वाली चीजें मुझे इससे ज्यादा मजा आ रहा है देखने में मैं फ्लैश बैक पर पहुंच गई इस जूते में मेरी बहस हुई थी हम एक दफा मॉल गए थे और मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है तो वो मुझे था कि आई एम ब्रोक मैं लू ना लू मेरी बहन ने बोला चलो अब मैं तुम्हें दिला देती हूँ तो जब हमने पहली दफा लिया तो हमने साइज गलत लिया फिर हम जब गए तो लकीली वी गॉट द साइज तो शुक्र है जिस जूते पे मेरा दिल था मुझे मिल गए मेरे बहुत फेवरेट जूते हैं क्योंकि कमरे में आधे से ज्यादा सामान बहन ने दिलाया थैंक यू बहन हैं तुम कमरे में लिखवा लो बहन एंड दीस आर जस्ट नॉर्मल सिल्वर वंस के आई वांट टू वेयर इट अच्छा गोल्डन नहीं मुझे तुम्हारे पास वो एक गोल्डन है अच्छा वो जो तुमने स्कर्ट के नीचे बताया था